अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पापी पेट और मैं आपका होस्ट फैजान शेख। आज मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 4 अजमेर में। गेट नंबर 4 पे ये जो एक गली है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन होटल हमने देखी थी, ज़ाफरान नाम था जिसका। तो ये काफ़ी मशहूर है, काफ़ी क्राउड था यहाँ पे, तो हमने सोचा इसे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ के जायके आप तक पहुँचाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो चलो चलते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन रेड पेपर ज़ाफरान स्पेशल, जो हमारे अजमेर का स्पेशल डिश है ज़ाफरान रेस्टोरेंट का। इसमें पहले मैंने डाला है तेल, चॉप गार्लिक, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें तोड़ के, इसको हल्का सा गुलाबी फ्राई करना है गार्लिक को। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कोरिएंडर चॉप्ड, फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। ये यहाँ का रेस्टोरेंट का सेज़वान सॉस, टमाटो सॉस, थोड़ा चिली सॉस, फूड कलर, वेनेगर, थोड़ा सा ऑरिगैनो, थोड़ा सॉल्ट, वाइट पेपर, अजीनोमोटो पाउडर, शुगर। ये हमारा अच्छा सा सॉस तैयार हो रहा है। थोड़ा पानी और ऐड कर दिया, मसालों को अच्छी तरह से मिक्सअप होने का टाइम। हमारा कटा हुआ तंदूरी चिकन जो ग्रिल्ड, ऑलरेडी ग्रिल्ड है मसालों में, उसको ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा कोरिएंडर और ऊपर से। ये मेरे रेस्टोरेंट का चिकन रेड पेपर तैयार है। अमूल प्योर बटर तंदूरी स्पेशल, मतलब ग्रिल स्पेशल। थोड़ा सा बटर को हीट अप कर लें, थोड़ा सा और बटर, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करें, थोड़ा सा चाट मसाला, ये हमारे यहाँ की थोड़ी स्पेशल चटनी बनाई हुई है, ये इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हीट अप, थोड़ा कोरिएंडर से इसको। चलिए इसे खाते हैं और इसका जायका आप तक पहुंचाते हैं। ये देख सकते हो, ये जो है तंदूरी स्पेशल। सुनिए, बहुत ही जूसी है और बहुत ही अच्छा सा दही का एक टेस्ट जो है, टैंगी सा फ्लेवर है, दही का खटास जो है बहुत अच्छा लग रहा है। ये उसके अंदर काफ़ी बटर भी इन्होंने डाला है, तो काफ़ी बटरी टेस्ट भी है। ट्राई करते हैं रेड पेपर, ये इनका सिग्नेचर डिश है। लेते हैं, ये ग्रेवी भी है इसमें। इसे हम ट्राई करते हैं बटर नान के साथ।
चलिए अभी इसका एक बाइट लेते हैं। इसे जो है ये है रेड पेपर चिकन, इसका टेस्ट जो है खट्टा और मीठा टेस्ट है इसका, बड़ा चट्टा सा टेस्ट है, बहुत बेहतरीन। चलिए अभी ट्राई करते हैं रोगन गोश। बहुत ही थोड़ा हैवी सा इसका जो मसाला है, थोड़ा हैवी है लेकिन प्रॉपरली सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। मटन भी बहुत अच्छे से, इसका चिकन जो है बहुत अच्छे से पका हुआ है। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं तब तक एक और नए वीडियो में।